श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी कुछ यदि केवल सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा या परम शिव ही है तो हम लोगों को इस चेतन सत्ता में जड़त्व कहां से दिखता है? चेतन सत्ता का अनुभव चेतन सत्ता के रूप में क्यों नहीं आ रहा है? इसको लेकर के बताते हैं, क्योंकि उसके ऊपर में ढक्कन पड़े हैं। कौन सा ढक्कन है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। यह जो ढक्कन है वो हिरण्मय पात्र का है। हिरण्मय माने चमक। चमक किस बात की? चमक है नाम रूप की, चमक है वृत्तियों की, चमक है अन्यत्व की। और इसी को इस शास्त्र में प्रत्यभिज्ञा शास्त्र में कहा है कि हम अपने इस स्वरूप को इसलिए नहीं पहचानते क्योंकि इस पर मल आ गया है। तो कौन सा मल आ गया है? तो कहते हैं आण्व मल आ गया है। आण्व मल माने अपने स्वरूप का अज्ञान। और अपने स्वरूप का अज्ञान आने के कारण फिर हम माया के मल के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। और माया का मल क्या है? माया माने मन। और मन का मल का क्या है कि जिसमें अन्य की प्रतीति और उस प्रतीति को सत्य रूप में स्वीकार करना, यह है मायीय मन। जब हमने अन्य की प्रतीति करी तो तीन बातें बाय डिफॉल्ट हो जाती है। पहली बात, अन्य की प्रतीति हुई तो इच्छा प्रकट हुई, अन्य की प्रतीति हुई तो क्रोध प्रकट हुआ, और अन्य की प्रतीति हुई तो भय प्रकट हुआ। और इस काम क्रोध भय इन तीनों से मुक्त होने के लिए जो प्रयत्न है वह कर्म प्रकट हुआ, उसको कहते कर्म मल। और फिर हम कर्म करेंगे, लेकिन कैसा कर्म करेंगे? कर्म करेंगे और उस कर्म के संस्कार फिर मन के ऊपर में पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार से हम परम शिव स्वरूप होते हुए भी इन तीन मलों के द्वारा अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकते, और इसलिए ये तीन मलों से मुक्त पाना, मुक्ति पाना, यही अपने जीवन का मोक्ष है या लिबरेशन है। तो बंधन है ज्ञान बंध, फिर योनि वर्ग और कला शरीरम, ये तीन हो गए। ज्ञान बंध है अविद्या, योनि वर्ग है मायीय मल, और कला शरीरम है यह कर्म मल। उसके पश्चात यहां तक हमने देखा। अब सवाल यह आता है कि ये तीन प्रकार के जो मल है, आण्व मल इत्यादि, मायीय मल और कर्म मल, इन तीनों के द्वारा जो बंधन आता है, क्या ये बंधन से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? और ये बंधन किस प्रकार से निर्माण होता है? देखो, बंधन निर्माण किस प्रकार से होता है? इस बंधन के निर्मिति की प्रक्रिया जब हम समझ लेंगे तब इस बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए ये अपने आप समझ में आ जाता है। देखो, जैसे ये पता चला कि अमुक अमुक वस्तु खाने से मुझे एलर्जी होती है, ये पता चल गया। अब ये पता चलने के बाद फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे क्या कि डॉक्टर साहब मुझे एलर्जी होती, मैं क्या करूं? आप टेस्ट कराओ। किसकी एलर्जी की? हाँ, एलर्जी की टेस्ट कराओ। माने क्या करो, एक गिलास में एलर्जी ले लो और पी लो उसको,
और यदि तुम्हारे शरीर पर उभर के आई तो तुमको एलर्जी है, तो फिर क्या करें? जिसके कारण एलर्जी हो रही है उसका त्याग करें। इसी प्रकार से यह तीन प्रकार का मल कैसे निर्माण होता है ये जब पता चलेगा तो इन तीन मलों से छुटकारा पाना संभव है। अब यहां जो बातें बताने जा रहे हैं बहुत ही सूक्ष्म है और अति सुंदर है। चौथा सूत्र है ज्ञानाधिष्ठानम मातृका। कितने छोटे छोटे सूत्र है देखो। ज्ञान माने अपना जो बौद्ध ज्ञान है, बौद्ध ज्ञान माने जो बुद्धि के या वृत्तियों के माध्यम से जो प्रकट होता है उसको कहते हैं बौद्ध ज्ञान। यह जो ज्ञान है जो अपूर्ण ज्ञान है, इस ज्ञान का अधिष्ठान क्या है, ये ज्ञान कैसे निर्माण होता है, तो कहते हैं इस अपूर्ण ज्ञान का अधिष्ठान है मातृका। इसीलिए ज्ञानाधिष्ठानम मातृका। जो परिपूर्ण ज्ञान है, परिपूर्ण ज्ञान क्या होगा, जिस ज्ञान में ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान यह त्रिपुटी नहीं बचती, वह निरपेक्ष ज्ञान को परिपूर्ण ज्ञान कहते हैं। और क्योंकि वो परिपूर्ण है तो उसका कोई दूसरा आधार नहीं हो सकता। देखो तो यह जो अपूर्ण ज्ञान है इस ज्ञान का क्या आधार है, तो कहते हैं इसका अधिष्ठान है मातृका। अब सवाल आता है मातृका किसको कहते हैं। देखो संस्कृत भाषा में भिन्न भिन्न प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे क का प्रत्यय लगाया जाए तो शब्द में कोई परिवर्तन आने की आवश्यकता नहीं। जैसे बाल संस्कृत में माने बच्चा, बालक माने बच्चा, तो यह जो क प्रत्यय लगाया गया है इसके द्वारा कोई जरूरी नहीं कि शब्द के अर्थ में परिवर्तन आवे। यहां प्रत्यय है का, तो का शब्द का जब प्रत्यय लगाया जाता है शब्द को तो उसका अर्थ प्रकट होता है निगेशन। तो मातृका का अर्थ हो गया है कि ज्ञानाधिष्ठानम मातृका माने जो अज्ञात है, मातृ माने मां, जो मां अज्ञात है वही इस परिच्छिन्न ज्ञान का अधिष्ठान है। अब इसको जरा ठीक से समझ लेना। अज्ञात मां माने क्या, अज्ञात मातृका माने क्या। जैसे हम लोगों को क्या मालूम है, किसी ने कुछ कहा तो शब्द मालूम पड़ा, लेकिन ये स्थूल शब्द के अभिव्यक्ति के पीछे कितनी सारी बातें हो जाती है। देखो हम लोग अपना लैपटॉप खोल करके स्विच ऑन कर देते हैं, लेकिन वो होने के पीछे कितनी बातें होती है मालूम थोड़ी है। इसी प्रकार से यह स्थूल शब्द का प्राकट्य होने के पहले इसके पीछे कितनी बातें हो गई है कुछ मालूम नहीं। और आप लोग तो सभी ज्ञानी हैं, आपको पता है कि वैखरी वाणी होती है, उसके बाद मध्यमा वाणी होती है, फिर पश्चंती वाणी होती है और फिर परावाणी होती है। तो जिनको इसके बारे में मालूम ही नहीं है तो उनको तो ये उन्होंने मुझे गाली दे दी। एक उदाहरण दो आपको, कहिए कहा है, माँ बेटा और बाप दोनों में महायुद्ध चल रहा है। अब वो बाप मुझे लिखता है, स्वामी जी उसने ऐसा ऐसा किया मैं क्या करूं। तो मैंने उसको कहा कि मैंने तुमको कई साल पहले बताया था कि जिस प्रकार से तुम बच्चे के साथ रह रहे हो गलत व्यवहार है, और जो बच्चा तुम्हारे साथ ऐसा उल्टा सीधा व्यवहार कर रहा है इट इज नॉट ओवरनाइट, इट इज पाइल्ड अप। देखो जैसे आप सब लोग बैठे हैं यहां और सभी कल्पना करो एकाग्रता से सुन रहे हैं, और क्या कर सकते हैं, तो एकाग्रता से सुन रहे हैं, और आप में से फट से बीच में ही कोई उठ करके बाहर चला जाता है, तो आपको हमको लगेगा ये आदमी फट से बीच में क्यों उठ के चला गया, उसको पूछो
द प्रेशर वॉज डेवलपिंग, वो जो प्रेशर डेवलप हो रहा था ये पब्लिक को थोड़ी पता चला, लेकिन जब वो प्रेशर इतना डेवलप हो गया कि बांध टूट गया तो उठ करके निकल गया। इसी प्रकार से हमारी वैखरी वाणी जो अभिव्यक्त होती है उसके पीछे क्या परंपरा है ये हमको मालूम नहीं। तो यह मालूम न होना इसी को कहते हैं मातृका। और क्या हमको मालूम नहीं है अब उसके बारे में बताते हैं। तो जो शब्द शक्ति, भगवान शंकराचार्य कहते हैं शब्द शक्ति रचिन्त्यत्वात् शब्दातेव अपरोक्षधि सुषुप्तो पुरुषो यद्वत् शब्देनैव अवबुध्यते। शब्द शक्ति अचिंत्य है और इस शब्द शक्ति के द्वारा ही हमें अपने स्वरूप को लखाया जा सकता है। कैसे शब्द शक्ति अचिंत्य है? तो कहते हैं कि कोई आदमी सो रहा हो तो उसको कुछ पता नहीं चलता क्या खड़का गड़बड़ हो रही है, लेकिन कोई उसके नाम से पुकारे, अरे गुप्ता जी सो रहे क्या, गुप्ता जी फट से उठ के बैठते हैं। क्योंकि शब्द शक्ति में बड़ी ही विचित्र बात है। तो यह जो मातृका है, मातृका हो गई शब्द की शक्ति, लेकिन यह शक्ति क्या है मातृका हमको मालूम नहीं, अब इसको हमको बता रहे। यह जो शब्द शक्ति है इसको बताने के लिए बहुत ही विस्तार से इस कमेंट्री में बताया गया है। यह मातृका होती है वह जो धीरे धीरे इसका ग्रोथ होकर के परिवर्तन होकर के परश्रुति गोचर शब्द का प्राकट्य होता है। अब देखो हम लोग जो अपने आप से बोलते रहते हैं ना मन में, अभी मन में बोलो अपने आप से, अभी क्या हमेशा ही बोलते हैं, लेकिन अभी फिर से बोलो। तो आप जो मन में बोले जा रहे हो इसका आवाज आ रहा है क्या? आवाज नहीं आ रहा तो कैसे सुन रहे हो? देखो, और हम सोचते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं, ये भी मालूम नहीं है अपने आप से बोलते हो, माने आवाज कहां से आती है और कहां जाती है। और यही जब आवाज दूसरा आदमी सुनता है हम अपने से बोल रहे हैं, और जब दूसरा आदमी सुनता है तब के पागल है। नारायण। तो यह जो मातृका है, यह मातृका, ये शब्द शक्ति जो है, यही शब्द शक्ति हमको विषयों के प्रति आकर्षण कराती है। कैसे आकर्षण कराती है? हमने वैखरी वाणी के शब्द से सुना। क्या सुना? गेट मैरिड टू वन बॉय, सी शादी.com, गेट मैरिड टू वन बॉय एंड गेट इन लॉज फ्री। तो जहां ये पढ़ा तो तुरंत दूसरा ऑप्शन ढूंढने लग गए। देखो, तो यह जो शब्द शक्ति है हमको जगत के प्रति प्रवृत्त कराती है या उससे निवृत्त कराती है। तो पहले हम इस मातृका के शक्ति को ऐसे समझें कि यही शक्ति हमको जगत के प्रति प्रवृत्त करती है। और दूसरी बात, यही शक्ति जो शब्द शक्ति है हमारे अंतकरण में भिन्न भिन्न भावों को प्रकट कराती है। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। जैसे आपको हम दो कहानियां बताते हैं। पहली कहानी, एक बार हम कहीं गए और वहां उन्होंने मुझे ले गए दिखाने के लिए, स्वामी जी यहाँ का अबेतियर बड़ा मॉडर्न है, अबेतियर माने कत्तल खाना देवनार, बड़ा मॉडर्न है। हमने कहा भाई मैं क्या करूँ, नहीं नहीं स्वामी जी आपको सब आना चाहिए, तो उन्हें मुझे मरवाना मत वहां। अब वहां से जब देखे तो चारों तरफ खून है, ये है बेचारे जानवर खड़े हुए हैं और वो भयानक पीछे आकर के मारते राम 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 राम। देखो आपके मन में कैसे भाव प्रकट हो गए,
अब दूसरी कहानी, आप चले गए श्रीनाथ जी, और श्रीनाथ जी जाने के बाद सबकी इतनी उत्सुकता है कि दो क्षण के लिए भगवान के दर्शन हो जाए, और सभी लोग अपना कुंभक करके खड़े, वहां देखो बड़ा आनंद आता है, और वहां खड़े और दो मिनट के लिए वो पर्दा खुलता है और ऐसे देख ले और फिर वो पर्दा चला गया, कुंभक निकल गया। अब देखो कैसा भाव अंतकरण में निर्माण हुआ, माने यह जो मातृका शक्ति है इसके दो कार्य है, एक तो वह मातृका शक्ति हमें जगत के प्रति आकर्षित करती है विषयों के प्रति, या उससे दूर भगाती है। तो प्रवृत्ति निवृत्ति यह मातृका शक्ति के कारण निर्माण होती है, और जब मातृका शक्ति शांत हो गई, माने कैसे शांत हो गई, जब हमने इस मातृका शक्ति को पहचान लिया है तो क्या होगा, हमारा जगत में भटकना बंद हो जाएगा और हमारे अंतकरण में किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प विकार इत्यादि निर्माण नहीं होगी। देखो, और इसीलिए हम सभी लोगों को अनजाने में मालूम है, जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो क्या सोचते हैं, चलो ध्यान करते हैं, माने पहले छोटे से बच्चों को भी बताओ कि चलो ध्यान करते हैं, अच्छा पापा, और बैठ लेता हूं। छोटे छोटे बच्चे जब मेडिटेशन का करते हैं ना तो बड़ा मजा आता है, एक ऐसा करते हैं, दूसरा ऐसा करते हैं। अब उनको ये मालूम है ध्यान करना माने जगत से उपरत होना, और एकदम सभी प्रकार की क्रियाएं जो है वो शांत हो जाना। तो कौन सी क्रियाएं हैं, दो प्रकार की क्रियाएं, बाहर के जगत में प्रवृत्ति निवृत्ति और अंदर के जगत में भावों का निर्माण या शांत होना, और ये होता है इस मातृका शक्ति के कारण। अच्छा, जब हम इस मातृका शक्ति को जान लेते हैं तब क्या होगा, तब यही शक्ति हमको जगत से उपराम करा करके अपने भिन्न भिन्न जो भावनाएं हैं उसके परे ले जा करके अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कराती है। देखो महाराज, तो यह जो मातृका शक्ति है यही हमको संसार में फंसाती है, और यही मातृका शक्ति हमको संसार से मोक्ष दिलाती है। अच्छा, तत् संकुचित वेद्य भाषात्मनो ज्ञानस्य पूर्णोस्मि क्षामः स्थूलो वास्मि अग्निष्टोमय याज्यास्मि इत्यादि। अब यही मातृका शक्ति है, ये हम में एक परिच्छिन्न ज्ञान का निर्माण करती है। तो पहली दो बातें हो गई, जगत में प्रवृत्ति और अंतकरण में भावों का निर्माण। अब तीसरी बात, यही जो मातृका शक्ति है हम में ऐसी ऐसी बातें निर्माण करते हैं कि मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, और मैं सुंदर हूँ लेकिन लोग समझते नहीं है, और मैंने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। इस प्रकार से जो भिन्न प्रकार के जो संकल्प विकल्प है अपने बारे में, इसी में यह सब कुछ चल रहा है, और ये सब का सब शब्द का व्यापार है। जहां शब्द शांत हो गए, देखो वहां संसार गायब हो गया। इसीलिए जगत किसको कहते हैं, नाम रूप। बच्चा जब पैदा होता है माने क्या है, रूप प्रकट हो गया। जैसे रूप प्रकट हो गया, अब इसका नाम रखो। अब क्या जरूरत है नाम रखने की, रूप क्या कम है, फिर उसको बुलाए कैसे, क्या जरूरत है बुलाने की। देखो, रूप के साथ नाम अपने आप पैदा हो जाता है। तो यह जो नाम रूप का विस्तार है, यही जगत है। रूप है अन्य के
रूप में और नाम है अंतकरण के रूप में। तो जब यह नाम शब्द हमारे अंदर प्रकट हो जाता है जगत के रूप को देख करके, तो यह संसार प्रारंभ हो गया। इसीलिए अब ये मातृका शक्ति को ठीक से समझ लेना। तो मातृका शक्ति क्या करती है, बाहर के जगत में प्रवृत्ति निवृत्ति और अंदर के जगत में अच्छे बुरे भाव, और तीसरी बात यही मातृका शक्ति फिर अपने बारे में कल्पना करने लग जाती है कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं, मैं मोटा हूं तो क्या हुआ। देखो तो यह सभी ज्ञान के आदान प्रदान में इस मातृका शक्ति का मूल योगदान है। इसीलिए यहां कहा ज्ञानाधिष्ठानम मातृका। कौन सा ज्ञान, अपूर्ण ज्ञान। तो अपूर्ण ज्ञान के आदान प्रदान में यह जो शब्द शक्ति है जिसको हम नहीं पहचानते, इसीलिए उसको मातृका कहते हैं। अच्छा अब और इसके आगे बताते हैं, ये भाष्य बड़ा सूक्ष्म है और बड़ा क्लिष्ट है समझने के लिए। करंध्र चिति मध्यस्था ब्रह्मा पाशावलंबिका पीठेश्वर्या महाघोरा मोहयंती मुमुर्मुहु। यह जो मातृका है, यह मातृका तीन प्रकार के शक्तियों से युक्त होती है। तो कौन सी है वो तीन शक्तियां, तीन शक्तियां है घोरा, दूसरी है महाघोरा और तीसरी है अघोरा। ये जो अघोरी पंथ है ना, ये अघोरी पंथ इसी चक्कर का है। तो कहते हैं घोरा कौन सी है, यह वो शब्द की अचिंत्य शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति इस जगत के भोग में एकदम अपने आप को फंसा देता है और इसी के कारण अपना आध्यात्मिक जो प्रवास है, प्रगति है, वो रुक जाती है। अब कैसी ये घोरा शक्ति है, देखो आप सत्संग को आ रहे हैं, शाम का समय है, आपने निर्णय ले लिया चलो जाकर के प्रश्नोपनिषद सुनते हैं और आप घर से निकल पड़े, उधर से आए, अरे गुप्ता जी कहाँ जा रहे, कुछ नहीं यार मैं जा रहा हूं जरा सत्संग के लिए। क्या सत्संग, फिर चलो जाकर के गरम गरम पकोड़े खाते, शब्द शक्ति। सत्संग हो गया है कैंसल और पकोड़े हो गए प्रभावी। इसीलिए जब हम शक्ति की बात करते हैं, मंत्र शक्ति ऐसी होती है। एक ने मुझे कहा था, स्वामी जी आप जो बताते हैं मंत्र में शक्ति होती है, पतंजलि में भी बताते हैं, मंत्र में क्या शक्ति होगी, हम ब्रह्मास्मि हरिओम 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 जयराम जयराम, इसमें क्या शक्ति होगी। हमने कहा उस शक्ति को छोड़ो, मैं आपको नया मंत्र देता हूं, उसका देखो प्रभाव कैसा होता है, कितनी शक्ति है। क्या देखो, मंत्र का अनुष्ठान देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है। फिर मैंने उसको उदाहरण दिया, समर्थ रामदास स्वामी ने पहले गायत्री का अनुष्ठान नदी के पानी में खड़े रह करके कमर तक, तब जाकर के उन्होंने सुबह से शाम तक सूर्य जब तक आकाश में है तब तक के खड़े होके के पानी में उन्होंने गायत्री का अनुष्ठान किया 24 लाख बार, तब उनको ब्रह्म तेज प्रकट हुआ। माने क्या कि कोई भी मंत्र की साधना देश काल परिस्थिति को करके करनी चाहिए। समझ में आ गया, बोले आ गया। हमने कहा अब हम जो मंत्र दे रहे हैं, उस मंत्र का अनुष्ठान करने का स्थान सुबह जब 9-10 बजे सभी के सभी लोग चर्च गेट स्टेशन पर गाड़ियों से निकल करके अपने अपने स्थान में जाने के लिए निकलते हैं, वह हो गया देश। और काल हो गया सुबह 9:45 का, और परिस्थिति यह है कि जब सब लोग बाहर निकल रहे हैं तुम उल्टे उस समय अंदर जाओ और उसमें से एक महाभव्य दिव्य शरीरधारी आदमी को रोको और कहो अरे बेवकूफ कहां जा रहे हो। उस समय देखना इस मंत्र का प्रभाव क्या है।
तुम्हारे इस मंत्र के द्वारा उसकी जो बाइसेप्स मसल है एकदम फ्लेक्स होगी और तुम्हारे तरफ देख करके सीधा तुम्हारे नाक में ढूसा पड़ेगा, नाक पीछे से बाहर आ जाएगा। देखो, ट्राई करके देखो। शब्द शक्ति हम समझते नहीं है। आप देखेंगे, एक हमारी अम्मा है, दो है, एक नॉन स्टॉप बोलती है। जैसे किसी टंकी से पानी लीक हो रहा है, टक 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 टक, क्या करूं इसको अभी। और दूसरी जो है वो बिल्कुल नहीं बोलती। हमारे साथ कितने बार रही है, वो मेनो रही है, लेकिन एक भी शब्द बोलेगी नहीं। और उसके प्रेजेंस में यू डोंट फील अनकंफर्टेबल बिकॉज शी इज कंप्लीटली विड्रॉन। सच ए ग्रेट तेज उसके चेहरे पर, आंखें शांत है समुन्द्र के जैसे। तो मैं जब खाना खाने के लिए बैठा, उसका पति और मैं बैठे, तो उसने कहा स्वामी जी आप इसको ले लीजिए। मैंने कहा कि अम्मा मेरा पेट भर गया, थोड़ा ले लीजिए। अच्छा दे दो। तो उसका पति हंस पड़ा, बोले क्यों हंसे तुम। बोले स्वामी जी ये मेरे साथ रोज होता है, मैं इसको कोई चीज को ना नहीं कह सकता, पता नहीं इसके शब्दों में क्या है। वो कहती है लेट अस गो फॉर ए वॉक, मैं कितना भी काम कर रहा हूं छोड़ के जाता हूं, ऐसे नहीं कि मैं डरता हूं, ऐसे नहीं कि वो मुझे डराती है, लेकिन उसके शब्दों में कुछ तो भी है। देखो महाराज, जब हम अनावश्यक बोलना बंद कर देते हैं ना, तब यह मातृका जागृत हो जाती है। इसलिए यह जो घोरा है, घोरा माने चैटर बॉक्स, कॉन्स्टेंटली किसी के ऊपर कॉमेंट्री करना, किसी को एडवाइस देना, किसी के बारे में सोचना, यह घोरा है, ये हमारे आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालती है। और दूसरी है घोरा थी घोरा या महाघोरा, ये क्या है, यह हमको दुनिया के बारे में ही सोचने को लगाती है और ये जगत में कैसा कुछ मिलेगा यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहता है। जैसे अपने राजनीतिक संतों का लक्ष्य होता है कि जब तक इस गद्दी पर बैठे हैं ज्यादा से ज्यादा कितना कमा ले बस। इसी प्रकार से यहां ये घोरा जी घोरा या महाघोरा जो शक्ति है ये केवल जगत के बारे में ही सोचने को लगाती है और इसीलिए यह जो जीव है इन दो शक्तियों में फंस जाता है। अब तीसरी जो शक्ति है मातृका की वो है अघोरा। यह अघोरा शक्ति वह है कि जिसके द्वारा हम जगत के बारे में सोचना और जगत के बारे में प्रयत्न करके प्राप्त करने का चक्कर चलाना, इन दोनों को छोड़ करके इसी शक्ति के द्वारा हम अपने स्वरूप को पहचानने के लिए शास्त्र का अध्ययन और अपनी ध्यान साधना इत्यादि प्रारंभ कर लेते हैं। देखो, आप लोगों ने घंटियां हजार बार बजाई होगी, अगले बार बजाओगे इसका ट्राई करो, देखो क्या फर्क पड़ता है। जैसे ये जो बुद्धिस्ट लोगों की घंटी आती है ना, ऊपर से उसको पकड़ के रखो और डंडा हाथ में टन टन नहीं करना अपना, जय जगदीश हरे के जैसा उसको दबा करके घुमाओ तो धीरे धीरे उसमें आवाज आने लग जाती है और जैसे जैसे वो आवाज तीव्र होगी फिर एकदम छोड़ देना। और उसके बाद ये जो आवाज अब धीरे धीरे शांत हो रही है, अब मरी जा रही है, तो जहां तक उस आवाज के ध्वनि को हम सुन सकते हैं वहां तक चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ। देखो, आप अपने आप इसी शब्द के द्वारा मातृका को पहचान लोगे। ये पर्पज है ये घंटी बजाने का, आवाज निर्माण करने का नहीं, उस आवाज को फॉलो करो। देखो, ये सब बातें विज्ञान भैरव में हमने विस्तार से बताई है। तो यह अघोरा है। अच्छा, और यह जो शक्ति है यह अपने अपने पीठ में रहती है। कहते हैं शक्ति के 52 पीठ हैं। ये जो शिवजी की जो पत्नी थी सती, जब यह सती मर गई तो शिव जी को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने अपने पत्नी के देह को शव को ले लिया
और पूरे विश्व का संहार करने के लिए गुस्से में निकल पड़े। तो वहां फिर उनके पत्नी के देह के 52 टुकड़े होकर के भिन्न भिन्न स्थानों पर गिर गए और उन्हीं को कहते हैं शक्तिपीठ। तो ये पीठ किसको कहते हैं? तो ये जो 52 टुकड़े जो है, ये 52 टुकड़े संस्कृत के 52 शब्द है। और पीठ किसको कहते हैं? पीठ माने स्थान। तो भिन्न भिन्न इंद्रिय जो है, ये इन शब्दों के स्थान है। अच्छा, और करंध्र, करंध्र का करंध्र चिति मध्यस्था, क माने ब्रह्म, रंध्र माने छेद, करंध्र माने हमारे सर के ऊपर में जो ब्रह्म रंध्र है उसको कहते हैं करंध्र। तो इस करंध्र में, ब्रह्म रंध्र में यह मातृका शक्ति का प्राकट्य परिपूर्ण रूप से हो सकता है। और इस प्रकार से यह मातृका शक्ति 52 रूप से प्रकट हो गई है। अब कौन से इसके रूप है, बड़ा सुंदर विवेचन है। ये बात हमको वेदांत में इत्यादि में पढ़ने को नहीं मिलती। संस्कृत में जो शब्द है वो इतने मेथोडिकल और सिस्टमैटिकली बताए हैं कि जिसका कोई दूसरा कंपैरिजन नहीं हो सकता। जैसे अंग्रेजी में होता है ABCDEFGH, जिसका कोई मतलब नहीं, कैसे ही फटफटा के रख दिए है। संस्कृत में वैसा नहीं है। पहले है उसके स्वर, जैसे संस्कृत के, अंग्रेजी के स्वर कौन से है? AEIOU। तो ये AEIOU जो है ये कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, अलग से नहीं रखे हैं। लेकिन संस्कृत में जितने स्वर है उनको कहेंगे हम अवर्ग। तो उसमें आ गए अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ रु रु लु य अप टू आहा अम आहा। तो ये जो अवर्ग है उनको इस अवर्ग के माध्यम से प्रकट होने वाली यह जो मातृका शक्ति है उसको कहते हैं योगीश्वरी और महालक्ष्मी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो अष्टलक्ष्मी की पूजा करते हैं ना आप लोग, तो ये अष्टलक्ष्मी ये है। तो पहली है महालक्ष्मी जो स्वरों के ऊपर में अधिष्ठान करके बैठी है। तो स्वरों की जो अधिष्ठातृ देवता है वह है महालक्ष्मी। जैसे हम लोगों ने वेदांत में पढ़ा है आंखों की अधिष्ठातृ देवता है सूर्य, कान की अधिष्ठातृ देवता है दिग् देवता, हमारे पैरों की अधिष्ठातृ देवता है विष्णु। इसी प्रकार से ये जो अवर्ग है माने सभी के सभी स्वर, इसकी जो अधिष्ठातृ देवता है उसका नाम है महालक्ष्मी या योगीश्वरी। अब दूसरे बात, इसके बाद स्वर के बाद व्यंजन आते हैं। व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। आप व्याकरण पढ़ा रहे क्या? तो जिंदगी में नहीं सोचा था सत्संग में जाकर के ये सुनना पड़ेगा। तो 5 प्रकार के व्यंजन होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग को कहते हैं कंठ्य, क ख ग घ। उसके बाद दूसरा होता है च वर्ग, उसको कहते हैं लिंगवर, लिंगवल माने अपने जीवा से बोले गए। तो च छ ज झ ञ। फिर होता है तालव्य, वो होते हैं ट ठ ड ढ ण। उसके बाद होता है त वर्ग, दंत्य माने त वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते समय यदि दांत नहीं होवे तो पब्लिक को बड़ा एंटरटेनमेंट होता है। तो जब कहेंगे तो देखो आपकी जबान कहा जाती है, जबान को दांतों को चिपकना जरूरी है। त थ द ध न, जब आप क ख ग घ करोगे तो दांत नहीं आते बीच में, तब केवल कंठ में होता है। जब च छ ज झ ञ करोगे तो जीवा फटफट करती है। जब ट ठ ड ढ ण कहोगे तो जीवा उभु तालव्य में चली जाती है। उसके बाद आ जाता है प वर्ग, प वर्ग माने उसको ओष्ठ कहते हैं, उसमें होठों का होना जरूरी है।
प फ ब भ म। तो इस प्रकार से ये पांच वर्ण के वर्ग हो गए। तो जो क वर्ग की अधिष्ठातु देवता है वो है ब्राह्मी, उसके बाद च वर्ग की है माहेश्वरी, फिर ट वर्ग की है कौमारी, फिर त वर्ग की है वैष्णवी, और प वर्ग की है वाराही, और यर लव जो य वर्ग है, यर लव इसमें चार ही है वर्ण, उनको कहते हैं ऐन्द्रिय या इंद्राणी, और आखिरी का जो है स वर्ग स श स ह और क्ष उसकी है चामुंडा। देखो ये जो तीन प्रकार के स होते हैं ना, कई लोगों को उसके भेद ही मालूम नहीं। जैसे उदाहरण ले लो गुजराती। एक बार एक टीचर मुझे बता रहे थे, बोले वो जर्मन पढ़ा रहे थे गुजराती को, और एक स्टूडेंट था गुजराती, और उसको बताना था उच्चारण श, शाला का श, शूल शूल, पवन करे शोर, शोर नहीं बाबा शोर। देखो तो वो टीचर थक गई, उसको श कहे या स कहे, तो सोचे क्या करूं। उसका देखा नाम, उसका नाम था दीपक शाह। हाँ अब तुम्हारा नाम क्या है? दीपक शाह। अब इसको भगवान ये नहीं पढ़ा। देखो इसीलिए श श स ह क्ष ये सब मिला करके हो गए इस सब मातृका, इसी को कहते हैं, यह मातृका की माला है। ध्यान से सुनना, अब आपको समझ में आएगा। हमारी काली माता नीले रंग की जबान बाहर निकाली हुई और 52 मुंडकों की माला पहनी हुई, तो यह जो काली माता है यह मातृका है, और इस मातृका की जो 52 शक्तियां है, जो 52 शक्ति पीठ है, वो यही है अ से लेकर के क्ष तक के, और इनमें ये 8 प्रकार की देवियां या 8 प्रकार की देवताएं उसमें निवास करती हैं। इस प्रकार से यह मातृका हमको मालूम नहीं है, और जहां हमने इसको पहचान लिया, कैसे पहचान लिया? शब्द के निर्माण के पूर्व शब्द के अभिव्यक्ति की जो स्थिति थी वो क्या थी? वो अव्यक्त थी। तो शब्द केवल अव्यक्त रहता है या व्यक्त होता है? शब्द का कभी निर्माण भी नहीं होता और कभी नाश भी नहीं होता। देखो अब इसके ऊपर जरा ध्यान देंगे, तो जब शब्द समाप्त हो जाता है तो शब्द के समाप्त होने के बाद किसका अभाव अनुभव होता है? शब्द का अनुभव होता है कि शब्द का अभाव है, लेकिन जिसको ये अनुभव हो रहा है उसका अभाव कभी नहीं होता। यही है अपना असली स्वरूप। इस मातृका शक्ति को जब तक हम नहीं पहचानेंगे तब तक के यह आण्व मल, तब तक के यह माईय मल और यह कर्म मल हम पर कार्यान्वित रहेगा और यह संसार चलता रहेगा। देखो महाराज, इसीलिए पीठेश्वर्या महाघोरा मोहयंती मुमुर्मुहु, उसके पश्चात आता है इसकी, इस शक्ति की अनेक कलाएं होती है। तो कौन सी कला है इस शक्ति की? तो बताते हैं इनकी 5 कलाएं हैं। कौन सी कलाएं हैं? निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और शांत्यातीता। अब ये 5 कलाएं को ठीक से समझ लेना। पहली है निवृत्ति। निवृत्ति कला वह है जिसके कारण हमारी जो शक्ति है
वो बहिर्मुखी न हो करके वो अपने में बनी रहती है, और इस शक्ति के कारण पृथ्वी में स्थूलता आ गई है। तो पृथ्वी का जो स्थूल रूप है, तो पृथ्वी का स्थूल रूप जिस शक्ति के कारण है उस शक्ति को कहते हैं निवृत्ति शक्ति, और इस निवृत्ति शक्ति के अंदर में 16 भुवन है। देखो इस मार्ग में, प्रत्यभिज्ञा मार्ग में आप यदि पढ़ेंगे साधु संतों के चरित्र, तो हमेशा कहेंगे कि हम गए थे इस ब्रह्मलोक में, उस लोक में, वहां हमको ऐसे संतों के दर्शन हुए, सिद्धों के दर्शन हुए। इसका कारण यही है कि यह जो पांच शक्तियां हैं इनके पांच अधिष्ठान हैं, और उसमें भिन्न भिन्न भुवन माने भिन्न भिन्न लोग हैं। तो पहली बात हो गई निवृत्ति की, और पृथ्वी का जो स्थूलत्व है ये इसी निवृत्ति शक्ति के कारण है। दूसरी है प्रतिष्ठा कला। प्रतिष्ठा कला इस निवृत्ति कला से सूक्ष्म है, और यह पानी की जो पतलापन है वहां से लेकर के प्रकृति तक के जो 23 तत्व है उनको आधार देती है, और उसमें 56 भुवन है। उसके पास बाद होती है विद्या कला, और इस विद्या कला में भी पुरुष तत्व से लेकर के माया तत्व तक के आ जाता है, उनकी यह अधिष्ठातु देवता है, और इसमें 28 भुवन होते हैं। उसके बाद शांति या शांता कला जो है वह सद्विद्या, ईश्वर और सदाशिव माने शुद्ध अध्व इसको रख करके उसमें 18 भुवन होते हैं। और जो शांत्यातीत पांचवी कला है वह शक्ति और शिव इन दोनों की अधिष्ठातु देवता है, इसमें किसी प्रकार का जगत नहीं है। इस प्रकार से यह पांच कलाएं इस संपूर्ण मातृका से प्रकट होती है। आगे चलते हैं, ये 6 प्रकार से यह मातृका काम करती है। कौन से 6 प्रकार है? वर्ण, पाद, मंत्र, कला, तत्व और भुवन। ध्यान से सुनना, वर्ण माने जो हम लिखते हैं अ आ ई ई क ख ग घ, वो वर्ण हो गया। उस वर्ण के द्वारा पाद माने पाद या पद कहो, जैसे राम शब्द हम कैसा लिखते हैं? र हलंत जमा आ की मात्रा रा, म हलंत जमा अ की मात्रा राम। तो राम हो गया पद, और र आ म और अ ये हो गया उसका वर्ण। तो पहले वर्ण होता है, उसके बाद पद निर्माण होता है, उसके बाद निर्माण होता है मंत्र, ओम श्री राम जय राम जय जय राम। तो वर्ण, पद, मंत्र, उसके बाद कला। और जैसे जैसे हम इस मंत्र का जप करते रहेंगे योग्य प्रकार से, तब हमको उन उन मंत्रों के द्वारा जो भिन्न भिन्न स्थान है उनकी अनुभूतियां आने लग जाती है, और इसी अनुभूतियों को कहते हैं आध्यात्मिक अनुभूतियां। आगे बताते हैं कला से लेकर के तत्व, फिर ये भिन्न जो तत्व है माने माया से लेकर के आखिरी तक के इन सभी 36 तत्वों का ज्ञान, और फिर भुवन जो अनेक प्रकार के भुवनों का वर्णन आता है वो सभी भुवन इसमें आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद यह जो शक्तियां है इनमें 4 प्रकार की मुख्य शक्तियां, अम्बा है पहली, यह शक्ति अनेक प्रकार के विघ्न निर्माण करती है। दूसरी है ज्येष्ठा, यह शिवमयी है और यही हमको आध्यात्मिक प्रगति में लगाती है। तीसरी है वामा शक्ति, यह जब कार्यान्वित हो जाती है तो अपने अगल बगल में जगत निर्माण कर लेते हैं। और रौद्री ये वो शक्ति है कि जो हमारे जीवन के आध्यात्मिक जो प्रतिबंध है उनको हटाती है। इस प्रकार से यह मातृ का जो हमको मालूम नहीं है उसका इतना सारा विस्तार है। और उसके पश्चात कहते हैं इसीलिए तद अधिष्ठाना देव ही अंतर्भेदानुसंधिवत वंध्यत्वात् क्षणमपि अलब्ध विश्रांतीनि बहिर्मुखानि एव ज्ञानानि इति युक्तैव एषां बंधक उक्ति।
क्योंकि यह मातृ का ही सभी परिच्छिन्न ज्ञान का अधिष्ठान है, इसीलिए जब तक हम इसको ठीक से समझते नहीं इस परिच्छिन्न ज्ञान में ही फंसे रहेंगे। देखो हम केवल शब्दों के ही चक्कर में फंसे रहते हैं, क्योंकि यही मातृका को न पहचानने के कारण है। और जहां हमने आगे जाकर के बहुत सूक्ष्मता से चिंतन हुआ है तब पता चलेगा यह मातृका को पहचानना माने अपने स्वरूप का प्रारंभ कहां से हुआ है वहां पहुंच जाना। अच्छा, और जब यह मातृका को हम पहचान लेते हैं तो जगत से विमुख होकर के अपने स्वरूप के तरफ अपनी गति होने लग जाती है। और यही बात उन्होंने भिन्न भिन्न ग्रंथों में भी बताई है कि यह जो जीव है यह अपने स्वरूप से इसलिए बिछड़ जाता है क्योंकि यह ये सभी जो कलाएं हैं, जो पांच बातें बताई है, वर्ण पद मंत्र कला तत्व और भुवन, इसी में वो फंसा रहता है। और इसीलिए जब तक के ये इन सभी से परे जाकर के इस मातृका को नहीं पहचानेगा तब तक के उसको पशु कहते हैं और वो उसी में फंसा रहता है। इसलिए हमें एक ही साधना करनी है, शब्द को मत पकड़े, शब्द के अर्थ को पकड़े। और सभी शब्दों का अर्थ जब मैं के रूप में प्रकट होने लग जाता है तब हमने मातृका को पहचान लिया है। देखो असली पैसे कमाने वाला कौन है? लोभी ही प्रिय जिमीदाम। देखो उसको देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति संबंध इससे कोई मतलब नहीं, हर चीज में हर परिस्थिति में पैसा 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 पैसा। तो जैसी उसकी एक तान ताल लगी रहती है उसी प्रकार से जब हमारी एक तानता लगी रहेगी तब हम जाकर के इसी मातृका को पहचान लेंगे। इस पर आप चिंतन करो। एक हम आपको कहानी बताते हैं तो समझ में आ जाएगा जल्दी से। एक बार किसी के यहां हम गए और छोटी सी फैमिली थी, बहुत पुरानी बात है। उन दिनों में इंडिया में अपने टीवी अभी आया था और वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, और उसमें भी आधा पौना घंटा साल भर में चलता था बिगिनिंग में। अब ये बच्चे घर के कहेंगे कि पापा अपने को टीवी ले आओ। नहीं 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 टीवी नहीं लाना, उससे आदमी बिगड़ जाता है। असल में पैसा नहीं था। जब आदमी के पास कुछ नहीं होता है ना तब आदमी अपने इन चीजों को पकड़ने लग जाता है, संस्कृति का क्या होगा, जो संस्कृति टीवी देखने से बिगड़ती है वो बिगड़नी ही चाहिए। देखो तो उन बच्चों ने कहा कि स्वामी जी आप बताओ ना पापा को, हमारे यहाँ टीवी नहीं लाते, हमको दूसरे के घर जाके देखना पड़ता है। और फिर दूसरे लोग कहते कि हाँ अब हो गया प्रोग्राम तुम चले जाओ, हमको बहुत बुरा लगता है, लेकिन पापा को कैसे समझावे। हमने कहा देखो थोड़ी देर शांत रहो, अपने आप हो जाएगा। कैसे? हमने कहा हम जादू कर देंगे। ठीक, उसके बाद असल में जादू हो गई। उस व्यक्ति को अपने गवर्नमेंट के कुछ पुराने एरियर्स और कुछ हफ्ते मिल गए, ज्यादा नहीं, कोई 5-10 हजार रुपए मिल गए। जैसे 10 हजार रुपए उनके जेब में आ गए चारों तरफ टीवी दिखने लग गया। न्यूज़पेपर पढ़े तो टीवी दिखता है, अरे वो आजकल बहुत टीवी की एडवर्टाइजमेंट आ रही है, जहां भी बिलबोर्ड देखो वहां टीवी दिखेगा। कारण क्या है? अब जेब में पैसा आ गया है। देखो इसी प्रकार से जब हमारे अंतकरण में अपने स्वरूप के प्रति समर्पण पूर्ण हो जाता है तो प्रत्येक शब्द में यह शक्ति है कि जो हमको अपने स्वरूप की तरफ मोड़ दे। तो इसीलिए इस मातृका को पहचानने का तात्पर्य है, हमें प्रत्येक शब्द का अर्थ जब मैं के रूप में ग्रहण हो जाता है तब हमने इस मातृका को या काली माँ को हमने पहचान लिया है।
इसका उदाहरण यही है कि एक समझो किसी का नाम है पुरुषोत्तम। इस पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ कितना भिन्न भिन्न होगा। आप उस पुरुषोत्तम के पत्नी को पूछो, डू यू नो पुरुषोत्तम, जिंदगी से बैठा है मेरे सर पे, कौन नहीं जानता उसको, माने पति तो पावन सीताराम। अच्छा, उसके बच्चों को पूछो, पुरुषोत्तम हिटलर, तुरंत हिटलर पैदा हो गया। अच्छा, किसी स्वामी नारायण के लोगों को पूछो, करो पुरुषोत्तम अक्षर भगवान। और किसी व्याकरण के विद्यार्थी को पूछो, पुरुषोत्तम पुरुषाणाम उत्तम यहां सहा पुरुषोत्तम षष्ठी गुरु, एकदम वहां संस्कृत का समास तोड़ दिया। और जिसका नाम पुरुषोत्तम है उसको पूछो, पुरुषोत्तम मैं हूं ना, मैं। इसी प्रकार से जब प्रत्येक शब्द का अर्थ मैं के रूप में ग्रहण होने लग जाता है ना, अब देखो कैसे, कहां से निकला अ, यदि मैं नहीं है तो अ नहीं है। आ ये कहां से निकला, क ख। हम क्या करते हैं, शब्द से दूर चले जाते हैं, शब्द से दूर मत जाओ, ये शब्द जहां से प्रकट हो रहा है उसको ग्रहण करने का प्रयत्न करो। तो यह जो मातृ काम हमारे लिए इस समय अज्ञात है वही पहचान में आने लग जाएगी, और उसी को कहते हैं हम में जो दिव्य शक्तियां हैं या कुंडलिनी शक्ति है वह जागृत हो गई। अच्छा, तो इन तीन मलों का जो अधिष्ठान है क्या हो गया, फिर यह मातृका हो गया। और यह मातृका में बहुत ही शक्ति है, जिस शक्ति को हम नहीं पहचानेंगे तो बंधन में रहेंगे, और पहचानेंगे तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है पांचवा सूत्र। इस पांचवें सूत्र में बताते हैं कि जब ये मातृका को हम पहचानते हैं तब क्या हो जाता है। तो पांचवा सूत्र है उद्यमो भैरवहा। देखो कितने छोटे छोटे सूत्र है। पहला था ज्ञानम आत्मा, दूसरा था ज्ञानम चैतन्यम आत्मा, फिर दूसरा था ज्ञानम, फिर तीसरा था योनि वर्ग कला शरीरम, चौथा था यह ज्ञानाधिष्ठानम मातृका, और यह पांचवा सूत्र है उद्यमो भैरवहा। उद्यम का तात्पर्य प्रयत्न या क्रियाकलाप नहीं। हमने आपको पहले बताया था कि इस पहले चैप्टर में, पहले पाद में शिव सूत्र के शांभवी योग या शांभव उपाय के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए यहां इसका अर्थ उद्यम माने प्रयत्न या कार्यकलाप नहीं। तो क्या कहते हैं, उद्यम माने क्या, उन्मज्जन रूपहा उद्यमहा, माने जिसके द्वारा हम इस सापेक्षता के जगत से उठ करके संपूर्णता के तरफ जब हम गतिमान हो जाते हैं तब उसको कहते हैं उद्यमहा। उत माने ऊपर, जैसे हम उदासीन है। अब उदासीन शब्द का अर्थ देखो कैसा निकलता है, हम उदासीन है माने किसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, वो उदासीन नहीं। उत माने अबाउ, आसीन माने बैठे हुए, तो आप सब लोग हमारी अपेक्षा नीचे बैठे हुए हैं तो हम हो गए उदासीन। उत आसीनहा उदासीनहा, भगवान कहते हैं भगवद गीता में उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु मया धक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। तो मैं इस प्रकृति का अधिष्ठान हूं लेकिन प्रकृति के ऊपर हूं। इसी प्रकार से यह उद्यमहा माने उत माने ऊपर, यम माने अपने आप को ऊपर पकड़ के रखना, माने अपने आप को सापेक्षता में नहीं फंसने देना, इसी का नाम है भैरव। भैरव शब्द का अर्थ भी बड़ा सुंदर है।
जैसे ओम प्रणव शब्द का अर्थ बताते हैं ना, ओम किसको कहते हैं जिसमें तीन मात्रा है, अ उ म, अ क्या है, अ है जागृत अवस्था, उ क्या है जो सर में होती है, नहीं उ है स्वप्नावस्था, और म क्या है सुषुप्ति अवस्था। तो यह संपूर्ण जगत क्या है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है वो दो ओम के बीच में की शांति है, उसको अमात्र कहते हैं। अमात्र माने जिसको नापा नहीं जा सकता, जागृत अवस्था को नापा जा सकता है, स्वप्नावस्था को नापा जा सकता है, सुषुप्ति अवस्था को नापा जा सकता है, लेकिन इन तीनों का जो आधार है ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति के परे है, अनंत है, और इसीलिए उसको अमात्र कहते हैं, जिसका कोई नाप नहीं हो सकता। जैसे हमने ओम को तीन में बांटा है, उसी प्रकार से यह जो भैरव शब्द है इसको भी तीन भागों में बांटते हैं। तो पहले उद्यम हो गया है अपने आप को इस मातृका से ऊपर उठा के रखना है, और इस पाद में श्यामोपाय बताने के कारण इसका अर्थ केवल प्रयत्न ही नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अब ये भैरव शब्द का अर्थ क्या है, कहते हैं भैरव शब्द में तीन शब्द है, भ र और व। भ का अर्थ है भरण, माने इस जगत को मेंटेन करना, स्थिति रखना। र का तात्पर्य है रवण, रवण माने इस जगत को अपने आप में खींच लेना, इसी से रावण बना ले। उसके बाद व शब्द का अर्थ है वमन, माने इस जगत को प्रकट करना। तो जगत को प्रकट करना, जगत की स्थिति रखना, और जगत को अपने आप में फिर खींच लेना, ये जिसमें हो रहा है उस परब्रह्म परमात्मा को इस शास्त्र में भैरव कहते हैं। देखो, तो जैसे ओम के बारे में हम यही समझते हैं, यही सीखते हैं ना, ओम क्या है कि जब अप्रकट होता है तब जागृत अवस्था, उ हुआ तो सपनावस्था, म हुआ तो सुषुप्ति अवस्था, और ये अ उ म कहाँ से प्रकट हो गए, ये इनके तीनों का जब अभाव होता है, और जो अभाव में भी होता है वह अमात्रा, वहां से ये तीन अ उ म प्रकट होते हैं। इसी प्रकार से भैरव माने जगत का उत्पत्ति करता और स्थिति करता और संहार करता, यह उद्यमहा भैरवहा। तो क्या अर्थ हो गया सबका, सबका अर्थ ये हो गया, हम है चैतन्य स्वरूप, फिर भी अपने आप को नहीं पहचानते, क्योंकि तीन मलों के कारण। इन तीन मलों का मूल क्या है, मातृका, और मातृका क्या है, अभी जो हमने इतना पढ़ा है कि प्रत्येक शब्द की अपनी अपनी अधिष्ठात्रु देवता है, और इनके भिन्न भिन्न स्थान इत्यादि है, और इनके प्रभाव में आकर के हम इस जगत के सापेक्षता में ही फंस जाते हैं। लेकिन जब हमने समझदारी के साथ इन शब्द के विषय का त्याग कर दिया, शब्द पर आ गए, शब्द का त्याग कर दिया फिर इंद्रियों पर आ गए, इंद्रियों का त्याग कर दिया फिर मन पर आ गए, मन में आने के बाद वैखरी से आए मध्यमा में, मध्यमा से आए पश्यंती में, पश्यंती से आए परा में। यह जो परा है यही इस शास्त्र में इसको कहा गया है मातृका। देखो, वाणी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना, वाणी के चार स्थितियां है, वैखरी वाणी, मध्यमा, पश्यंती और परा। तो जिसको हमने वेदांत में परावाणी के बारे में कहा है उसी को इस शास्त्र में मातृका कहते हैं। लेकिन इस परावाणी का इतना विस्तार से विवेचन हमको वहां नहीं मिलता, इसलिए जैसे जैसे इस ज्ञान को हम दृढ़ करते जाएंगे तब हमको यह प्रातिभ ज्ञान प्रकट हो जाएगा। योयम प्रसरद रूपायाम विमर्शमय्या संविदो जगति उच्छलनात्मक अपर प्रति भोन्मज्जन रूप उद्यमहा स एव सर्वशक्ति सामरस्येन अविशेष विश्वभरितत्वात् सकल कल्पना कुलाल मयत्वात् भैरवो।
भैरवात्मक स्वरूपम अभी व्यक्ति हेतुत्वात् भक्ति भाजाम। तो यह उद्यम क्या हो गया, फिर उद्यम हो गया कि जब हमारा अंतकरण इतना शांत पवित्र हो गया है कि वहां एकदम इस चेतन सत्ता का प्रकाश प्रकट हो करके वह अनुभव आता है कि जिसको हम शब्दों के द्वारा नहीं बता सकते हैं। ध्यान से सुनना, जिन्होंने साधु संतों के चरित्र पढ़े हैं और अपनी साधना करी है उनका ये अनुभव जरूर होगा। कभी कभी बिना किसी कारण के आपको बहुत प्रसन्नता का अनुभव होता है। देखो, बिना किसी कारण को, आपने कुछ किया भी नहीं, ना आपने भगवान का नाम लिया है, ना किसी को दान धर्म किया है, ना आपके लॉटरी लगी है, कुछ भी नहीं, एकाधिर इतना आनंद रहता है। तो यह प्रयत्न रहित जो आनंद की अनुभूति है इसको कहते हैं उद्यमहा। इसका उदाहरण केनोपनिषद में आता है, वहां बताते हैं कि यह अनुभूति किस प्रकार से होती है, इसका आदेश देते हैं, आधिदैविक आदेश और आध्यात्मिक आदेश। आधिदैविक आदेश में कहते हैं जैसे आकाश में बिजली कड़क जाती है, तो आकाश में बिजली कैसे कड़क जाती है, हम लोग कहीं जा रहे हैं सडनली आ गई सामने, उसमें कोई प्रिपरेशन थोड़ी होती है। इसी प्रकार से जो परमात्मा का अनुभव बिना प्रयत्न के होता है उसको कहते हैं उद्यमहा। और यह जो प्रयत्न रहित सहज आनंद की अनुभूति है उसी को कहते हैं भैरवा। इसलिए शांभव उपाय उस अधिकारी के लिए है कि जो अब अनुपाय में प्रवेश करने के लिए क्वालिफाई हो गया है। अनुपाय माने कोई उपाय नहीं, अपनी सहजावस्था, अपनी सहज स्थिति। तो इस शांभव उपाय में उद्यमहा, उद्यम का तात्पर्य है कि हम इस अपने स्वरूप के बारे में, जिसको कहते हैं संस्कृत में प्रातिभा ज्ञान, प्रतिभा जो नाम है ना, नाम होता है डंबो का, लेकिन प्रतिभा शब्द का अर्थ है प्रतिभा माने जब हम इस परावाक को ग्रहण कर लेते हैं। परावाक माने वैखरी, आपसे मैं बोल रहा हूं, मध्यमा हम अपने आप से बोल रहे हैं, पश्यन्ति कुछ हो रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, और परा बिल्कुल ही मालूम नहीं। तो जब हम इस परा वाणी को ग्रहण कर सकते हैं उस ज्ञान को कहते हैं प्रातिभा ज्ञान। तो यह प्रातिभा ज्ञान क्या है, एकदम बिना किसी तैयारी के एकदम ये प्रकट हो जाता है। और ऐसा ज्ञान हर एक व्यक्ति के जीवन में नित्य रूप से रोज प्रकट होता है। ध्यान से सुनना, त्रिपुरा रहस्य नाम का एक ग्रंथ है, हम लोगों ने इसको पढ़ा है यहां थोड़ा बहुत, उसमें एक बात बताते हैं, बड़ी सुंदर बात है। जैसे हमको जागृत अवस्था मालूम है, स्वप्नावस्था मालूम है, सुषुप्ति अवस्था मालूम है, वैसे ही हमको निर्विकल्प समाधि का अभी पहचान नहीं है, और इसीलिए वह निर्विकल्प समाधि होने के बावजूद भी हमको उसका अनुभव आया ये समझ में नहीं आता। देखो, एक बार एक सज्जन, लंदन की बात है, वो हम आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं स्वामी जी को ले आऊंगा, मुझे कुछ काम नहीं है, लेकिन आप तो उनको पहचानते नहीं। नहीं नहीं नहीं, स्वामी जी लोगों को जरूरत में पहचानने के, ऐसे पहचानने आ जाते हैं, आपने तो उनको देखा नहीं, देखा तो नहीं, इसमें क्या फर्क पड़ता है, स्वामी जी तुरंत पहचान में आ जाते। हम उतरे उस फ्लाइट में से दो चार बाबा जी निकले, मुझे इसी आनंद आता है जीवन में, बड़ा मजा आता है।
अच्छा, अब वहाँ जैसे जैसे आपका क्यू में नंबर है उसके अनुसार आपका वो इमिग्रेशन क्लियर होगा, और हमारे पहले दूसरे बाबा जी का इमिग्रेशन क्लियर हो गया था, वो अपने आ गए हाथ में वो ट्रॉली लेकर के, इधर उधर देख करके, ये आए स्वामी जी महाराज, आइए आइए, हम माला विला पहना दी। उसके बाद बोले स्वामी जी आप बंबई से आए ने? बोले नहीं, मैं राजकोट से आया हूँ। राजकोट से आप स्वामी अनुभानंद नहीं है? बोले नहीं, फिर गड़बड़ानंद हूँ। मैंने तो सोचा था कि आप ही स्वामी अनुभानंद है। नहीं, तीन चार स्वामी है पीछे, ढूंढ लो कौन से। बोले मैं तो पहचानता नहीं उनको। तो बोले ये वाला दूसरे पर ट्राई करना। इसी प्रकार से यह निर्विकल्प समाधि हमारी सबकी लगती है, लेकिन पहचानते नहीं, तो किसको माला पहना है। इसलिए यह प्रातिभ ज्ञान उद्यम माने हम अपने स्वरूप को एक क्षण में सडनली इसका एक झलक से दिख जाती है। और ये अनुभव ऐसा है कि एक बार ये अनुभव हो जाए ना तो फिर उसके नशा आ जाती है। हमारे गुरु नानक जी के शब्दों में आता है, ये ऐसी नशा है कि ये नशा एक बार चढ़ जाए ना उतरती नहीं, फिर बाकी की जो है आपकी नशा वो चढ़ने के बाद चढ़ी रहती है। गोवा की बात है, एक बार ये रोटरी वालों का कोई फंक्शन था, हमको वहाँ चीफ गेस्ट बुलाया था, तो हम पहले दिन तो नहीं जा पाए, हमने कहा हम आखिरी दिन आएंगे। तीसरे दिन गए, तीन दिन का कॉन्फ्रेंस, 2000-3000 रोटरी के रोटेशन में रहने वाले लोग आ गए थे। और पहला दिन दूसरा दिन गोवा माने क्या, एकदम वहाँ लिक्विड स्पिरिचुअलिटी चलती रहती है। तो दूसरे दिन 11 बजे हमारा लेक्चर, और सभी ने रात भर में बड़ा सत्संग इत्यादि किया होगा, इसीलिए सुबह में जब आए वहाँ सत्संग में सबके सब शांभवी मुद्रा में आए। और जब मुझे बताया उन्होंने, मैंने लेक्चर शुरू कर दिया, आधा घंटा लेक्चर होने के बाद फिर कहते हैं, एक ने पूछा प्रश्न पूछ सकते हैं क्या, अन पूछो। कल हम लोगों ने भी स्पिरिट पिया था और आज भी आप स्पिरिचुअल महात्मा जी आ गए हैं, दोनों में क्या फर्क है। जब ऐसा पूछा तो मेरे पास जो बैठा हुआ था बोले स्वामी जी आप इसका उत्तर मत दो, ये बकवास आदमी है। हमने कहा देखो, जब आपने कहा है प्रश्न पूछो तो कोई बकवास नहीं होता, वी मस्ट ऑनर हिम। बोले फिर इसका उत्तर आप क्या दोगे, आपको क्यों फर्क पड़ता है, मैं दूंगा। फिर मैंने कहा देखो, आप लोगों की कल रात की लिक्विड स्पिरिचुअलिटी थी, इसके कारण आज सुबह भी हैंगअप है, और हमारी सॉलिड स्पिरिचुअलिटी है, इसीलिए हैंगअप में स्टैंड अप है। तो बेसिक डिफरेंस, यह जो अपने स्वरूप में स्थिति है इसका एक बार अनुभव आ जाए तो अपने आप उसी दिशा में हम लग जाते। एक उदाहरण ले लो, ये मैंने एक बच्चे से सीखा, मेरे पास एक चॉकलेट था सिर्फ जेब में, तो उसको मैंने कहा कि देख मैं तेरे को क्या देता हूं, क्या है समझ, चॉकलेट, ओ चॉकलेट, वेरी गुड, तो ये टुकी और जेब में रख दिया। हमने खाओ ना, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं फिर वापस करो, वापस भी नहीं करूंगा। फिर क्या करोगे, मैं अपने सिस्टर को दूंगा, सिस्टर को दूंगा तो क्या, बोले वो खाएगी उसको अच्छा लगता है। हमने कहा वो खाएगी तो तुमको क्या मिलेगा। अब छोटा सा बच्चा वो कहता है स्वामी जी आपको सिस्टर है, मैं नहीं, आपको समझ में नहीं आ सकता। देखो माने स्वयं भोगने का जो आनंद है उससे ज्यादा आनंद अन्य को सुख देने में है। देखो महाराज, इसी प्रकार से इस
सापेक्षता के जगत में रह करके लाभ हानि का जो सुख दुख है उससे बढ़ करके जो निरपेक्ष आनंद है उस आनंद की तुलना जगत के किसी भी शब्द के द्वारा प्रकट नहीं हो सकती। और यह शब्द के परे जो अनुभव है उसको कहते हैं उद्यमहा भैरवहा। देखो इसीलिए हमारे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के ध्यान श्लोक में आता है, चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संचयाः। मौन का व्याख्यान है, एक लड़की मेरे पास एक पुस्तक लेके आई, स्वामी जी कुछ मैसेज लिख के दो। हमने क्या इसके अंदर में क्या पकोड़े बना के रखे हैं क्या? नहीं नहीं मेरे लिए कुछ विशेष रख के दी। हमने कहा ठीक है, हमने लिखा उसके ऊपर, इफ यू कैन अंडरस्टैंड माय साइलेंस यू विल अंडरस्टैंड माय वर्ड्स, लिख कर दे दिया। स्वामी जी इसका अर्थ क्या है? फिर मैं चुप हो गया। स्वामी जी बताओ ना, फिर मैं चुप हो गया। फिर उसकी माँ कहती है, क्या लिखा है स्वामी जी ने? When you understand his silence, you will understand the word. So he is keeping silent, is it not? No, understand what he means. वह अनुभव जो शब्द के परे है उसको शब्द का लांछन नहीं लगाना। और यह जो उद्यमहा भैरवहा, यह जो निरपेक्ष साधना के अनुभूति प्रकट होती है उसका और विस्तार का स्वरूप और आगे है, उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।